दिया ऑफ गार्ड एंगल से क्लच गॉट टेक डॉक निकाला, बट उसके बाद सिर्फ इंटेल पर सिर्फ इंफॉर्मेशन था कि नियो और क्लच गॉट तक का जो सफर है वो खाली है। उस सफर के लिए इन्होंने वो रिस्की मूव उठाया, वो गाड़ी उठाई। जॉनी अभी भी एज पर है, उनके लिए स्मोक कर रही है। पोजिशनिंग टीम की काफी अच्छी है, जानते हुए कि तीन प्लेयर्स हेड टू हेड फाइट लेने के लिए तैयार है, तो ऑफ गार्ड एंगल से जॉनी वहां पर कुछ बेहतर फेस दे सकते हैं। टीटी की टीम को ऊपर आने का मौका ही नहीं देंगे। टैक्टिकल पोजिशनिंग मैं कहूंगा बड़ी अच्छी, और थ्रोबल्स का यूज उससे भी ज्यादा अच्छा। उधर फिनिश फील्ड में काफी सारे नाम और भी आ रहे हैं, बट ये फाइट मेरी नजर में काफी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, बिकॉज थ्रोबल्स जो यूज कर रहे हैं उसका फायदा भी मिल रहा है। क्लच और बिना कोई खास डैमेज लिए गॉडल ने यहाँ पर टीम तमिलास को एलिमिनेट कर दिया है। Well, ये चीजें हमें गोडला की तरफ से काफी देखने को मिलती है कि जब भी वो किसी टीम को स्पॉट करके नॉक करते हैं तो सीधा रश करने के बजाय वो थोड़ा सा दूरी पे रुकते हैं और वहां से नीड और मोलोटोव की बारिश करना शुरू कर देते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा